ये जो टिक मार्क दिया हुआ ना, इसमें एग्जाम्पल मारकर ग्राउंड में शट कर देना है, तब भी ये एसपी टूल से कनेक्ट होगा। कोई बुरी बात नहीं है, सिंपल सा ट्रिक है, 100% वर्किंग। हेलो दोस्तों, आज हम दिखाएंगे वीवो Y12 15 19 ये कैसे लॉक रिमूव करें। ये UMT से तो इरर आता है, नहीं होता है, पहले सा होता है, नया अपडेट आने के बाद ये फेल आते हैं, नहीं होता है। मैं बहुत ट्राई किया UMT प्रो डोंगल से, तो पहले ब्रो मोड से हो रहा है, लेकिन अभी नहीं हो रहा, क्योंकि नया वर्जन आ गया और टूल का नया अपडेट दे दिया, इसलिए नहीं हो रहा। बहुत ट्राई किया मैंने, 2-3 घंटा ट्राई किया, लेकिन नहीं हुआ। तो ये AMD के प्रोसेसर है, इसलिए मैं SP फ्लैश टूल ओपन किया, जो स्मार्टफोन फ्लैश टूल है MediaTek का, वैसे मैं रिमूव करूँगा। तो लाइव दिखा रहा हूँ आपको, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, स्टेप बाय स्टेप है। और नहीं पॉज करके देखा तो समझ में नहीं आएगा। तो हम पहले से मोबाइल दिखाएंगे, पहले से खुल के रखा हो, क्योंकि खुलना पड़ेगा। सॉरी, और कैमरा भी लगाना नहीं, लगा के चेक करना है मॉडल को। मेरा नया सिग्नल है, इसलिए अच्छा खासा करके नहीं ये इसके मॉडल है वीवो 19 4, वही ये Y12 का है, Y12 मॉडल है। इसमें UMT ने नया अपडेट दे दिया है, इसलिए UMT से नहीं हो रहा है। मैंने पहले सा एक वायर निकल कर रख रही हूँ, ये वाला एक ग्राउंड से शॉर्ट करना है। मैं आपको दिखा दूंगी कहाँ से आपको लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। और एक टूल लेना है आपको, MTK बाईपास RE4 बाईपास FRB फाइल, ये भी लेना है। ये डाउनलोड करना है, और ये SP फ्लैश टूल है, और ये Y12 का है, ये पैटर्न है,
और ये लेना है आपको एंड्रॉइड स्केटर आ गया, और इसके ऑटोमेटिकली आ जाएगा स्विच करने से, या फाइल ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऑटोमेटिक देना है ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट पे आना है, फॉर्मेट पे आकर मैनुअल फॉर्मेट फ्लैश करना है ठीक है। ये सारे को हटाना है, ये सारे को हटाना है देना ठीक है। उसके बाद इसके बाद क्या करना है, ये वाला FRP का है, ये वाला रिसेट का लॉक करने के लिए है। पहला वाला जो है ये इसके कॉपी करके इसमें पहला वाला ऑप्शन में डाल देना है ठीक है। ये पहला वाला जो है ना, ये FRP के लिए है। दूसरे वाला ये लेना है, ये कॉपी करके ऐसे पेस्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, इमीडिएट एक बाईपास टूल ओपन करना है। ये बिल्कुल फ्री में है। उसके बाद USB केबल इंसर्ट करना है, और मैंने पहले वाला जो जम्पर निकल के रखा हो ये ग्राउंड पर शॉर्ट कर देना है। मैं बाद में दिखा देते हूँ कहाँ से लेने के लिए। बाईपास पर क्लिक करना है और बैटरी को रिमूव करना है, बैटरी की कोई ज़रूरत नहीं है। अब 2-3 सेकंड प्रेस कर रखना है शॉर्ट करके, चला गया। उसके बाद ये मिनिमाइज कर देना है और स्टार्ट कर देना है। देख रहे हैं फॉर्मेट ओके, ये लॉक हटा गया है। उसके बाद और सेम प्रोसेस है FRP के लिए, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। इसको हटाना है, इसको भी हटाना है। उसके बाद ये वाला जो है FRP फाइल, ये पहला वाला पहले पे डाल देना है, दूसरी वाला यहाँ पर डाल देना है। जो इसके हैं ये बाईपास पर तो है, पहले वाला है ऑप्शन है ना, और बाद में स्टार्ट कर देना है, ओके हो जाएगा। मैं लाइव दिखाता हूँ, ये कॉपी यहाँ पर पेस्ट, कॉपी पेस्ट ठीक है। उसके बाद स्टार्ट कर देना है पर भी, और सॉरी इसके ये तो करना है, केबल को इंसर्ट कर देना, फिर से केबल लगाना है, बाईपास ओके। फिर से करना है बाईपास,
कनेक्ट करना है, कनेक्ट हो गया। मिनिमाइज ये तो है, स्टार्ट कर देना है। देखिए 100% ओके, फॉर्मेट ओके। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है क्योंकि ये फ्री टूल है ना, और यूएमटी से तो नहीं होता है, वो मेटामोड में भी नहीं होता है, रिसेट फैक्ट्री में नहीं होता है, सब सारा फेल आते हैं। ये तो पहले वाला से फ्री है इसलिए होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये तो पहले से एकदम आसान था, वन क्लिक में हो जाती है FRP और लॉक UMT मल्टी टूल से। अभी तो नहीं हो रहा है, मैंने UMT भी रखा, नहीं होता है। ठीक है, हो गया, ये काम तमाम है, कंप्लीट हो गया। लग नहीं है, पर भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ये मोबाइल तो हार्ड रिसेट भी नहीं होता है, इसकी तो काम तमाम हो गया। यूज नाउ, ठीक है, एकदम इजी तरीका है। कहीं लग FRP कोई भी नहीं है, इसके में दिखा तो कहाँ से जम्बर करना है। ये EMMC के बगल में, और